सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूँ YD और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ SSC CGL के थ्रू, और बैंक्स SSC के कई सारे पेपर्स को मैंने पिछले सालों में पास किया है। तो इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट थी सर, SBI क्लर्क की रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटेजी बना के दे दो, 30-40 दिन में कैसे पास करना है। तो स्ट्रेटेजी मैंने आपको 1 तारीख को बना के दी थी, आज से ठीक 10 दिन पहले। स्ट्रेटेजी क्या थी? जून में आपकी डेट है टेंटेटिव एग्ज़ाम की, हमने सोचा था 40-45 दिन बचे हैं, वैसे अब थोड़े से ज़्यादा ही समझो, क्योंकि अभी क्या थोड़ा सा कोरोना बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा आप यूँ ही समझो कि जून के लास्ट में ही होगा पेपर या मिड के बाद में होगा। तो हमारी स्टडी थी रोज़ 10 घंटा पढ़ने की, है ना, 45 दिन 10 घंटे 450 घंटे पढ़ोगे, 40-45 दिन में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी को हमने तोड़ा था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट था 10 दिनों का, फिर सेकेंड पार्ट 15 का, और फिर थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट 15 दिनों का, हो गए टोटल 40 दिन। शुरुआती 10 दिनों की स्ट्रेटेजी मैं आपको करवा चुका हूँ, 1 तारीख को मैंने इस वीडियो में देख लेना जाकर के, जिसने अभी तक फॉलो नहीं की हो, है ना। आज करवाने वाला हूँ बाकी के 30 दिनों में आपको क्या करना है। तो एक बार नज़र मार लेते हैं शुरुआती 10 दिनों में आप क्या कर चुके हो। देखो, अगर अभी भी शुरू नहीं किया तो शुरू कर लेना, है ना, कोरोना की वजह से आपको टाइम एडिशनल मिल रहा है, आज भी शुरू करोगे तो भी 40 दिन तुम्हें मिल जाएंगे। तो पुराने वाली वीडियो जाकर के शुरुआती 10 दिन को कर लेना फॉलो, और फिर आना इस वीडियो पे बाकी के 30 दिन आपको क्या करना है। तो शुरू में आपको मैंने बताया था 3 घंटे देने हैं रोज़ कैलकुलेशन को, 3 घंटे देने हैं इंग्लिश को, और 4 घंटे देने हैं मैथ्स को। कैलकुलेशन में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था फॉर्मूला के जरिए कैसे कैसे इनको करना है ना। स्क्वेयर जो हैं, पहाड़े जो हैं, सीधे ऑर्डर्स में भी आने चाहिए और रिवर्स ऑर्डर में भी आने चाहिए। अच्छा, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, M का क्या नंबर होता है, J का क्या नंबर होता है, आगे से भी और रिवर्स ऑर्डर में भी। इंग्लिश में बताया था रोज़ एडिटोरियल को पढ़ना जारी रखो मेरे साथ, वीडियो ना भी देखो तो खुद जो है ना कुछ ना कुछ पढ़ो, 1 घंटा पढ़ाई को देना है इंग्लिश के न्यूज़पेपर को। ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट पूरी करने को बोला था रोज़ 1 घंटा देने को, और SP बख्शी नाम की बुक से, किताब से आपको वोकैब करने को बोला था। आज थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, वैसे आप कर चुके हो 3 घंटा × 10, मतलब 30 घंटे आप इस चीज़ को दे चुके हो। फिर बताया था आपको ये 10 कॉन्सेप्ट हैं मैथ्स और रीजनिंग के। मैं चाहता था कि आप रोज़ 2 घंटे जो है ना, मतलब 2-2 घंटे एक एक कॉन्सेप्ट को दो, तो ये 10 कॉन्सेप्ट जो हैं 10 दिनों में 2 बार आपके रिवाइज हो जाएं, मोटे मोटे इन्हीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो ये भी आप कर चुके होगे। देखिए, आज है सेकंड पार्ट, अब करना क्या है, जो 3 घंटा तुम स्पीड को देते थे ना, अब उसको दे दो 1/2 घंटा। ऐसा क्यों? स्पीड तुम्हारी बन चुकी है अभी तक, क्यूब्स तुम्हें 40 तक याद हो चुके हैं। मैं तुमसे पूछूंगा भाई R का क्या होता है, तुम बोलोगे R सर 18 होता है। मैं तुमसे बोलूंगा उल्टा R का क्या होता है, तो तुम वो भी बता दोगे। मैं तुमसे पूछूंगा 15 का क्यूब क्या होता है, तो अब तक तुम्हें आ जाना चाहिए कि सर 15 का क्यूब ये होता है, 25 का क्यूब ये होता है, 41 का स्क्वायर ये होता है ना। स्क्वायर रूट मेथड भी तुम सीख चुके होगे, और तुम जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी अभी तक तुम्हें आ गया होगा। मैं एक्सपेक्ट तुमसे ऐसा कर रहा हूँ कि शुरुआती 10 दिनों में तुम ये कर चुके हो। अब अगर नहीं किया तो फिर कर लेना, आज से शुरू कर लो, बस इसको तभी इम्प्लीमेंट करना जब शुरू वाले 10 दिन में तुम उस पूरी तपस्या से गुजर जाओ। तो अब से तुम दोगे 1/2 घंटा, और 1/2 घंटे क्या करना है ध्यान से समझ लो। एक पेपर लो, पीस ऑफ पेपर, उस पे इस तरह से रेंडमली लिख लो 108 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 28 का क्यूब, 37 का क्यूब, याद तुमने कर लिया है। फिर उस पे कुछ टेबल्स डाल लो रेंडमली, है ना, जो तुम्हारे मन में आए वो। फिर कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस डाल लो रेंडमली, अब ये बहुत कम है, इसके 3 गुना डालना। 5 मिनट में शीट को तैयार करो, टाइमर लगा के बैठो 30 मिनट का, 30 मिनट में आपको इन क्वेश्चंस को सबको करना है सॉल्व। लास्ट के 5 मिनट कैलकुलेटर बैठ करके लेकर के मैच करके देख लो सही किया है गलत किया। धीरे धीरे टाइमर को धीरे करके हमें, मतलब तेज़ करके आगे आना है, 30 से हमें 25 या 20 मिनट का टारगेट रखना है। तो आप यही करने वाले हो, रोज़ 1/2 घंटा इस एक्सरसाइज को दोगे, कितना जल्दी एक पेज है जो कैलकुलेशन का, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, समझ गए। तो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा कैलकुलेशन को 1/2 घंटे पे ले आओ, सेकंड पार्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश में रीडिंग तुम जारी रखोगे जैसे तुम रख रहे थे पहले, द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, मैं रोज़ पढ़ाता हूँ टच चैनल पे, पिछली मेरी 500 एडिटोरियल्स करवा चुका हूँ मैं, तो जिस दिन वीडियो ना आए तो पुराना कोई उठा लो, है ना, खुद से पढ़ लो, वीडियो ना देखनी हो खुद से फ्रंट पेज उठा लो, उसको जो है ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दो। 1 घंटा रीडिंग का आपको रखना है चालू। अच्छा, 1 घंटा SP बख्शी से वोकैब का भी चालू रखना है। अब मुझसे कुछ लोगों ने पूछा सर क्या पढ़े हैं SP बख्शी में, वोकैब कहाँ है? तो देखो, 4 चैप्टर हैं, पहला मेन चैप्टर है idiom और phrases का, दूसरा है phrasal verbs का, तीसरा है important words का, और चौथा है antonym और synonyms का, है ना। phrasal verbs और idiom और phrases सारे कर लेने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं यार, मोटे मोटे ही हैं ये, आप इनको 2-3-4 बार पढ़ोगे ना तो दिमाग में बैठने लगेंगे,
एक घंटा इसीलिए रोज़ तुम्हें दिलवा रहा हूँ, तो एक घंटा रोज़ इसी चीज़ को देना है कि एसपी बख्शी से ये चारों को मैं कैसे कवर करूँ। शुरुआती तीन को तो कवर कर ही लेना, चौथे को भले तुम कवर ना करो, एंटोनिम सिनोनिम ज़्यादा ना भी हो तो भी चलेगा। अच्छा, इसमें जो वर्ड्स दिए ना बहुत सारे हैं, आपको 400 वर्ड्स का टारगेट रखना है, ठीक है। 40 दिन में 400 वर्ड्स बहुत होते हैं नए वर्ड्स। तो अगर आपने जैसे अल्फ़ाबेट ए उठाया, ए पे रखे हुए इसने 50 वर्ड्स, 40 वर्ड्स या 30 वर्ड्स, तो उसमें से जो बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल लगे हैं वो 10-12 वर्ड्स उठा लो, समझ गए। सारी डिक्शनरी आप याद नहीं कर सकते हो, सिलेक्टिवली आपको पढ़ाई करनी है। जो उठा रहे हो उसके ऊपर टिक मार्क लगाओ, अब मैंने इसको याद कर लिया है, अगली बार मैं इसको रिवाइज करूंगा। तो ये एक घंटा वोकैब का एसपी बख्शी से आपका चालू रहे, रीडिंग का आपका एक घंटा चालू रहे, ग्रामर की प्लेलिस्ट अगर पूरी नहीं हुई है तो उसको आप कंटिन्यू रखें, और अगर पूरी हो गई है तब आपको आना है इस वाले स्टेप पे। अब ये क्या है भाई, आपके मैंने क्लर्क के पूरे पेपर को एनालाइज किया, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन प्रायोरिटी ऑर्डर बनाए हैं मैंने। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आरसी से, एरर से और वोकैब से, वोकैब के क्वेश्चन आरसी के अंदर ही होते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं पीक्यूआरएस से और फिलर से, लास्ट में आते हैं क्लोज टेस्ट और स्पेलिंग से, कभी कभी क्लोज टेस्ट नहीं भी आता। तो आपको मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना दिया, अगर तुम्हारी ग्रामर की एक घंटे की एक प्लेलिस्ट पूरी हो चुकी है जो मैं 40 वीडियो बना चुका हूँ, उसके बाद तुम्हें इस ग्रामर की प्लेलिस्ट पूरे करने के बाद इस वाले पोर्शन के ऊपर आना है। अब ये क्वेश्चंस करोगे क्या और कहाँ से करोगे, तो बुक्स मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये दो बुक्स बताई थी मेनली, ये हो गई एसपी बख्शी, 250 की किताब है, किसी बुक स्टोर से जाकर के ले आओ, घर के आसपास हो, ऑनलाइन मंगानी हो तो इसका लिंक रखा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में, है ना। इसका प्रिंट भी ले सकते हो आप, पीडीएफ है मेरे पास, टेलीग्राम ग्रुप में रखा है, आप जो है इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हो, 100-150 रुपये में निकल जाएगा। अच्छा, ये दूसरी किताब कौन सी है, ये थे चारों के चारों जो आपके जो हैं सेक्शंस, उनके पिछले 10 सालों के IBPS और SBI के टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो मान लो क्लोज टेस्ट के आपने इंग्लिश वाली किताब उठाई, क्लोज टेस्ट वाला चैप्टर उठाया, क्लोज टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन बने हैं टॉपिक वाइज, है ना, सारे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को एक साथ आपको बता देगा। तो इसी किताब में से आपको करना है वो वाला पोर्शन, आरसी उठा लिया, एक दिन वोकैब उठा ली, एक दिन एरर के क्वेश्चन उठा लिए, है ना, बस टॉपिक वाइज उठाओ और इन किताबों का फ़ायदा उठाते जाओ। ये किताब 650 रुपये की है, चारों सस्ती सी लगी मुझे, ज़रूरी नहीं है यही लेनी है, तुम्हारे घर के पास जो मिलती हो तुम वो ले लो, बस पिछले सालों के पेपर होने चाहिए उनमें। अगर ये लेनी है तो फ्लिपकार्ट पे महंगी है 900 रुपये की, अमेजोन पे सस्ती है 650 रुपये की, है ना, इसका लिंक रखा है कमेंट में, लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो आ जाओ, इंग्लिश वाला पोर्शन तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से। अपने रोज़ जो है एक एक टॉपिक उठाओ, एक घंटा रोज़ देते जाओ, अगले 15 दिन तुम्हें यही करना है, एक दिन एरर उठा ली, एक दिन वोकैब उठा लिए, पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे मैथ्स के, देखो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर मैंने सारे तुम्हारे जो है ना टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक को एक जगह लिख लिया है और उनको बता भी दूंगा मैं कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। 2 घंटा एक मैथ्स के टॉपिक को देना रोज और 2 घंटा एक रीजनिंग के टॉपिक को देना, तो 4 घंटे तुम्हारे ये जारी रहेंगे बिल्कुल पहले के जैसे। अब टॉपिक मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये जो तुम रेड कलर में देख रहे हो ना ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, टाइम एंड डिस्टेंस छोड़ के आने वाला नहीं है, लेकिन अब मैं जिस ऑर्डर में इसको डाल रहा हूँ, जैसे मैंने पहले रखा है सिंप्लीफिकेशन को, कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होगी तो सिंप्लीफिकेशन इजीली कर दोगे, तुम्हें अभी कोई दे 15 प्लस में 20 इंटू में 45 फिर ब्रैकेट लगा करके 30 बटे में 1/2, ये सिंप्लीफाई करना हो तुम्हें, कैलकुलेशन जो तुम कर चुके हो ना वही यहाँ पे अप्लाई होगी। तो फर्स्ट तो तुम्हारा टॉपिक यही है सिंप्लीफिकेशन का मैथ्स में, फिर है मिसिंग नंबर सीरीज़ का, है ना, नंबर दे दिए 15-20 और बीच में एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पे कौन सा आएगा। फिर थर्ड प्रायोरिटी दोगे तुम इन सभी टॉपिक्स को, ये सभी टॉपिक्स ही तुम्हारे अरिथमेटिक का पार्ट हैं, इसमें ये लास्ट वाले दोनों छोड़ भी सकते हो, वैसे तो नहीं बोलूँगा मैं छोड़ने के लिए, लेकिन 40 दिन की स्ट्रेटजी है मेरे भाई, सब कुछ नहीं कर पाओगे, कम से कम इन लाल वालों को तो कर ही आना, और डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिक कर लेना, जैसे तुम्हारा पाई चार्ट होता है, समझ गए। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए 360 डिग्री का है, अगर मैं 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो इस वाले पोर्शन की बात हो रही है। तो बेसिक तुम्हें टेबल और बेसिक तुम्हें चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन में, पूरा टाइम मिले तो पूरा देना इसको, नहीं तो बेसिक्स जरूर करके जाना, क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो ये है तुम्हारे मैथ्स के टॉपिक्स, है ना, इस ऑर्डर में चलोगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड के अंदर ये वाले सबसे पहले, फिर फोर्थ में ये वाले और फिर लास्ट में ये वाले। रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और वेन डायग्राम, ये तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, समझ गए, मोस्ट क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग में इसी चार टॉपिक से बनेंगे, और फिर बाकी जो टॉपिक्स तुम्हें करने हैं वो करने हैं डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन, कोडिंग डीकोडिंग टाइम मिले तो कर लेना, इनपुट आउटपुट टाइम मिले तो कर लेना,
नॉल वर्बल रीजनिंग के अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे ट्राइंगल गिनने हो, भाई इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, तो ट्राइंगल गिनने का इसमें एक फॉर्मूला होता है, इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। ये सब फॉर्मूला तुम्हें इन किताबों में मिल जाएंगे। जैसे तुम इस किताब को खोलोगे, इसमें तुम निकालोगे कौन सा वाला, एप्टीट्यूड वाला, रीजनिंग वाला। तो इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें बता देगा कि ट्राइंगल गिनने हो किसी फिगर में तो इस फॉर्मूला को लगाएं। तो फॉर्मूले रख लेना नॉन वर्बल रीजनिंग के दिमाग में, क्योंकि इस पर एक आधा क्वेश्चन बनेगा और बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। लाल वाले ज़रूर करने हैं, नीले वाले को बेसिक करके आना है, काले वालों को अगर टाइम मिले तो करें आना, नहीं मिले तो ज़्यादा लोड मत लेना। तो ये तुम्हारे टॉपिक्स हैं। अब हर टॉपिक को उठा लो, मैथ्स के एक टॉपिक को रोज़ उठाओगे तुम, रीजनिंग वाले को एक को ज़रूर उठाओगे, 2 घंटे इधर दोगे, 2 घंटे इधर दोगे। और करना क्या है, उस टॉपिक की सारी वैरायटियां उठा लो। जैसे तुमने परसेंटेज उठाया, परसेंटेज पे 10 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो 10 तरह के क्वेश्चन जो है तुम या तो तुम उनको निशान लगा लो उस किताब में, या कहीं कागज़ पे लिख लो। सारी वैरायटियां जब तुम कर लोगे किसी भी टॉपिक की, वो टॉपिक तुम्हारे लिए ईजी बन जाता है ना। बाकी आप खुद समझदार हैं मैथ्स में, किताबें आपको बता दी हैं। अब आ जाएंगे अपने फोर्थ पार्ट पे, सेक्शनल मॉक टेस्ट। जो तुमने यहाँ पे 2.5 घंटे कम किए, वो 2.5 घंटे तुम दोगे सेक्शनल मॉक टेस्ट पे। अब ये क्या होते हैं, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट उठा लिया, सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग का एक उठा लिया, एक मैथ्स का उठा लिया। इसका मतलब ये है आप पूरा एक साथ नहीं दोगे, है तो ये पूरा पेपर ही प्री का, लेकिन पहले इंग्लिश का करोगे, फिर पानी वानी पी लो, उसको एनालाइज कर लो, फिर रीजनिंग का कर लो, फिर मैथ्स का ले लो। मैं आपको यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ पूरे पेपर के लिए, कैसे तैयार हुआ जाए। अब ये सेक्शनल मॉक टेस्ट करने कहाँ से है, ये मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो मोटी मोटी ये 4 वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ओली बोर्ड का लेवल बहुत ज़्यादा है, थोड़े मुश्किल होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। और ओली बोर्ड पर यह भी चक्कर है, अगर SSC के लिए तो बैंक वाले नहीं मिलेंगे, बैंक का अलग प्लान लो, SSC का अलग प्लान लो, है ना। प्रैक्टिस मॉक बिल्कुल बढ़िया है, एकदम कायदे का है, टेस्ट बुक ठीक है, कायदे का है, अड्डा के थोड़े ईजी होते हैं। आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है आपको कौन सा मॉक टेस्ट का पैकेज चाहिए, पर मैं आपको बोलूँगा आप सबसे पहले इनके फ्री वाले यूज़ कर लो। इन सब के एक एक दो दो तीन तीन चार चार फ्री वाले मिलेंगे आपको, वेबसाइट से ऐप से डाउनलोड करके सेक्शनल वाले जो फ्री वाले हैं ना उनका फ़ायदा पहले उठा लेना। जब फ्री वाले ख़त्म हो जाएं फिर एक परचेज़ कर लो, मैं आपको प्रीफर यही दोनों करूँगा। टेस्ट बुक का लेते हो तो 399 रुपीज़ का है 2 साल का, और 299 रुपीज़ का है 1 साल का। 10% ऑफ देता है टेस्ट बुक आपको दोनों पे ही, अपने चैनल का स्पॉन्सर भी है। कोड लगाना होता है आपको YET10, तो 10% ऑफ मिल जाएगा। अगर लेना हो तो टेस्ट बुक का आप ले सकते हो, कमेंट में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, जहाँ से लेना हो लो, इन दोनों में से एक का ही लेना है ना। चलो अब ये होगी तुम्हारी अगले 15 दिनों की स्ट्रेटजी। अब आ जाओ लास्ट के 15 दिन क्या करना है, एंड गेम। देखो जो तुमने अभी तक सीखा है ना पिछले 25 दिनों में, लास्ट के 15 दिन में तुम उसको सजाओगे, उसका पूरा फ़ायदा उठाओगे। अब कैसे उठाओगे, स्पीड का वही आधा घंटा चालू रखो जो तुमने पिछले 15 दिन किया है, इंग्लिश में रीडिंग को चालू रखो, वोकैब को चालू रखो, ग्रामर तुम्हारी यहाँ तक पूरी हो जाएगी। अब ग्रामर अगर पूरी हो गई ना फुल्ली, तो अब फुल्ली जी जान लगा करके इन टॉपिक्स को पूरा करो, समझ रहे हो बात को। एक दिन RC क्वेश्चन उठाए, एरर से क्वेश्चन उठाए, स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन उठाए, कहाँ से उठाए, हमारी उन किताबों से जो मैंने आपको बताई हैं, है ना। इन किताबों से इनके एक एक टॉपिक को उठा उठा करके इंग्लिश में आगे बढ़ते रहो। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे बाकी की जगह। देखो यहाँ पे तुम्हारे टॉपिक्स अभी भी चालू रहेंगे, लेकिन 4 की जगह 2 घंटे देने हैं, 1 घंटा देना है मैथ्स को, 1 घंटा रीजनिंग को, और यहाँ पे क्वेश्चंस कम करने हैं, यहाँ पे आपको करने हैं टॉपिक्स को रिवाइज। मान लो आपने परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो 3 बार कर लिया, आपको पता लगा परसेंटेज में ये 10 टाइप के क्वेश्चन हैं या ये 20 क्वेश्चन हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ, है ना, आपने उनको स्टार मार्क भी कर रखा है। अब आपको जब 1 घंटा मिला, इस 1 घंटे में परसेंटेज के सारे फॉर्मूला आप रिवाइज करोगे और उन 10 स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस को करोगे। लास्ट के 15 दिन में कुछ नया नहीं सीखना, जो तुम सीख चुके हो उसको रिवाइज करना है, जो तुमने कर लिया है उसी को फिर से करना है। तो मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर हर जगह तुम्हें रिविजन ही करना है। तो मैथ्स का टॉपिक उठाया, कोई भी टॉपिक के स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस को उठाया और रिवाइज करके 1 घंटे में उनको कर लिया, यही काम तुमने किया रीजनिंग में। अब आ जाएंगे लास्ट स्टेप पे। अब आपको सेक्शनल से फुल मॉक टेस्ट पे आना है और रोज़ देने हैं 2, 5 घंटे आपको यहाँ पे बिताने हैं। सौरभ बात को 3 घंटे यहाँ दे दिए, 2 घंटे यहाँ दे दिए, 5 घंटे यहाँ दे दिए, आधा घंटा आपने सिर्फ स्पीड पे दिया, 10 घंटे हो गए 10.5 घंटे। तो मॉक टेस्ट को 2 घंटे में दोगे और 3 घंटे एनालिसिस करने पे लगाओगे कौन से क्वेश्चंस गलत किए। मॉक टेस्ट तुम्हें बता दिया मैंने, जो भी वेबसाइट से तुम बाय कर रहे हो वहाँ से फुल वाले अब देने शुरू कर देना लास्ट के 15 दिन। इस एनालिसिस को करने के साथ साथ, जैसे आपका किसी दिन मन नहीं है, एक ही मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है अपने प्रीमियम प्लान चलते हैं चैनल के ऊपर,
आप चैनल के होम पेज पे जाओ, इस प्लेलिस्ट को जाकर के खोल लो। कौन से वाली? ऑल बैंकिंग एग्जाम्स क्लरिकल प्लस पीओ। इस पे क्लिक करो, इसमें आपको 60-70 वीडियोस मिलेंगी, है ना, 50-60 वीडियोस हैं। तो आप इसमें से कोई भी वीडियो उठाओ, उसके कमेंट सेक्शन में जाओ, उसके नोट्स पड़े होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये PQRS की मैंने खोल ली, है ना। आप इसके कमेंट सेक्शन में जाओगे, ये वीडियो भी चलने लगेगी। तो आवाज़ मैंने बंद की हुई है अब इसकी। तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको उसका PDF। तो आप PDF उठाओ, पहले सॉल्व कर लो और फिर देख लो इस वीडियो में मैंने कैसे सॉल्व किया। इन वीडियोस को चलाने के लिए आप मेंबर बन सकते हैं, छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन मैं रखता हूँ। 50-60 वीडियोस आपको 20-50 रुपए में मिल जाती हैं। ज्वाइन बटन पे प्रेस करो और ज्वाइन कर लेना, या फिर अगर ज्वाइन ना हो रहा हो, आपका कार्ड काम ना कर रहा हो, तो इस वीडियो को चला लेना, इसमें समझाया हुआ है कार्ड कैसे काम करेगा। अब आ जाओ, अपना स्ट्रेटेजी मोटी मोटी आप समझ ही चुके हो। देखो, ये है 450 घंटे की स्ट्रेटेजी। ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है, आप पूरी कोशिश कर लोगे उसके बाद भी 450 घंटे दे नहीं पाओगे 40 दिन में, है ना, 300-350 पे अटक जाओगे। लेकिन एक चीज़ को मन में याद रखना हमेशा, आप ही के सामने, आप ही में से कुछ लोग इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप ही की नौकरी लेकर के जाएंगे। याद रखना इस चीज़ को, और ये कड़वा सच है। अगर तुम्हारे मन में डेडिकेशन नहीं है, तुमको नौकरी नहीं मिली, तुमने पढ़ाई नहीं की, है ना, दुनिया नहीं रुकने वाली है। तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, भूखा तुम्हें मरने नहीं देंगे, लेकिन उस ज़िंदगी में तुम्हें मज़ा कम आएगा। जो करना चाहते थे वो तुम नहीं कर पाए, वक्त होने के बावजूद 40-45 दिन गर्लफ्रेंड को बोल दो फ़ोन कम किया करे, कमरे का दरवाज़ा बंद रखा करो, पढ़ते टाइम फ़ोन ऑफ रखा करो, और दिल में एक जज्बा रखा करो, किसी काम को करने के लिए निकला हूँ। ऐसे नहीं है कि मजबूरी में घर वाले पढ़ा रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हो ना। सब कुछ वो आपके लिए कर रहे हैं, आप उनके लिए इतना तो कर सकते हो, अपने माँ बाप को खुशी देने का काम तो कर ही सकते हो। 40-45 दिन लग जाओ, मन से पास करके दिखाओ, मुझे ही बड़ी खुशी होगी। कुछ डाउट्स हो तो बता देना कमेंट्स में, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने एक सवाल पूछ सकते हो, सॉल्यूशन दे दूंगा डाउट्स होंगे तो। चलिए, मुलाकात लूँगा, अंटिल देन साइनिंग आउट।